हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MMB टीचिंग पॉइंट। PET के सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, उसका एक पार्ट हमारा हो चुका है, नदी एवं नदी घाटियाँ। इसका जो सेकंड पार्ट है भूजल संसाधन, यह उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका एक पार्ट और एक पार्ट विश्व की नदियाँ मिला के हम एक नया वीडियो बनाएंगे। इसमें जो थर्ड टॉपिक है पर्वत पहाड़ियाँ एवं हिमनदी, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे पिछली बार दो क्वेश्चन आए हुए हैं। एक पूछा गया था खजुराहो, एक पूछा गया था अजंता, ठीक है। दर्रा जो पूछता है इसी का ही एक सब पार्ट है, पर्वत पहाड़ पहाड़ियाँ। इसमें जबकि देखिए दर्रा दिया नहीं गया है, जबकि इसमें देखिए कि बोला गया है कि ला, जिसको हम बोलते हैं दर्रा, ठीक है। तो दर्रे को पूछा गया है, तो यह इसी का पार्ट है, लेकिन इसका एक सेपरेट 5 मिनट का वीडियो बना देंगे, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम आते हैं पहाड़ियां। पहाड़ियों में सबसे बड़ा पहाड़ी की बात अगर हम करें तो हमारे यहाँ हिमालय है, जो कि युवा में माना जाता है, और सबसे पुरानी कौन सी है, अरावली, ठीक है। तो हम मैपिंग के अनुसार आते हैं, तो मैपिंग में देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा है हिमालय वाला पार्ट। हिमालय कहाँ से जाता है, ये सुलेमान से लेके इधर से होके ये इस प्रकार से, देखिए मैं बना रहा हूँ इस पर, देखिए। एक फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि मैपिंग में थोड़ा सा देखिए क्या होता है कि मैप जब बना रहे हैं तो बहुत ही पतली पेन लेके भी नहीं चला जा सकता है, क्योंकि यह विजुअल नहीं होगा, ठीक है। हम जूम इन कितना भी करेंगे तो उतनी ही क्लियर चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग स्टेट जो कन्फर्म नहीं हो पाएगा। तो मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ से मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो इसी में देखिए कुछ हम पार्ट ले रहे हैं किसका, ये हिमालय का जो है चार पार्ट जो हमारे ट्रांस है। देखिए हम हिमालय के कितने पार्ट हैं, चार पार्ट, ठीक है। चार पार्ट में कौन कौन सा है, एक है ट्रांस, दूसरा है बृहद, तीसरा लघु, चौथा शिवालिक, ठीक है। तो इसमें देखिए ट्रांस में, ठीक है, अब देखिए अब पार्ट कर लिया, अब इसके अलग अलग से सब पार्ट करिए, ठीक है। ट्रांस के जो पार्ट होते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ट्रांस का भाग है। ट्रांस का मतलब ये है, देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आप घर में चम्मच देखते हैं, ठीक है, चम्मच देखते हैं तो एक भाग गहरा वाला जो भाग है, उसके बाद उठा हुआ भाग होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखें तो एक पार्ट जो है हमारा, वह हिमालय जो हमारा एक मध्य हिमालय है, ठीक है, ये मध्य हिमालय है, जो मेन हिमालय कहा जाता है, उसी के इस पार वाला भाग, इस वाला पार, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ऊँचा है, इसको क्रॉस करने के लिए, जबकि ये दबा हुआ है और ये पार्ट भी दबा हुआ है और यह भी पार्ट दबा हुआ है, ठीक है। बृहद वाला जो है सबसे ऊंचा है, इसी पे क्या है, माउंट एवरेस्ट इसी पे है, और कंचनजंगा जिसको हम बोलते हैं वह भी इसी पे है, ठीक है। तो ट्रांस के जो भाग की बात करें तो वह उसका देखें, ट्रांस का जो भाग हम देखें, यह भी पूछा गया था कि कौन सा ट्रांस का भाग है, ठीक है। इसके जो पार्ट आते हैं के कलेजा पार, ठीक है, कलेजा पार, ठीक है, PR, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलावीरा, ठीक है, कलेजा पार, धौलावीरा, इतना याद कर लीजिए, कलेजा पार, धौलावीरा, ये क्या है, हमारे ट्रांस के भाग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल मैं करके चल रहा हूँ, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन इसे मिस हो ही नहीं सकता है, UPPCS तक आप ये स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं ये जो पार्ट, ये देखिए आपके जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये है KLJP, ठीक है, कलेजा पार और धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम आते हैं, मैंने यहाँ देखिए आपको बनाया है कि एक हिमालय, एक है सुलेमान से लेके अराकाम योमा जो हमारे म्यांमार तक जाती है, ठीक है, ऐसे सोचिए जिसमें हम अखंड भारत की बात करते हैं, इसी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से इस पार्ट से लेके यहाँ तक म्यांमार तक अराकाम योमा, देखिए आपको मैं एक बात और बता दूँ कि जो ये पॉइंट देखिए यहाँ इस पॉइंट पे देखिए डॉट डॉट करके है, ठीक है, इसको बोलते हैं अराकाम योमा, ठीक है, ये जो डॉट डॉट करके यहाँ पे जहाँ पे जो चीज़ हमको क्या है, अंडमान निकोबार जो है हमारा, वह ऊँचाई पे पर्वत और पहाड़ की जो ऊँचाई है उसी पे ही हमारा अंडमान निकोबार है, ठीक है। जबकि हम लक्षद्वीप को देखें तो वह एक कोरल है, ठीक है, इसी पे ऐसे पॉइंट पॉइंट करके बने हुए हैं, 8 भाग में डिवाइड है, ठीक है। तो अब देखिए हम आते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, हम पहला पॉइंट कर लिए ट्रांस, दूसरा आता है हमारा बृहद, ठीक है, बृहद हिमालय जिसको हम बोलते हैं, ये नेपाल से ज़्यादातर जाते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट नोट करने वाले बात है, ठीक है, एक यहाँ पे है
जो सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पे है देखिए हमारा कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ मैं और आपको मेंशन कर दे रहा हूँ कि इसमें मैंने बताया कि K2, ठीक है, यहाँ पे जो हम K2 जानते हैं, ठीक है, K2 जो जानते हैं, इसी का K2 कहाँ से नाम आया मालूम है, ये इसी को कारा कोरम वाले ही रेंज को भाग में, 9 भाग में बांटा गया है, जिसका फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट जो हम K2 के नाम से जानते हैं वह यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, उसी को हम बोलते हैं K2, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हम आ जाते हैं कि ये हमारा हो गया। अब इसी में ही देखिए आप सिलेबस के अनुसार देखने जाएंगे तो सिलेबस में आपको बोला गया है कि हिमनद, ठीक, पर्वत पहाड़ तथा हिमनद, ठीक है, तथा हिमनद में अगर हम आए तो इसी पार्ट में देखिए जब हम काराकोरम में आते हैं तो काराकोरम में ही जो सबसे ऊंचाई है वह बर्फ से जमा हुआ है, उसी पे ही सियाचिन, ठीक है, एक है सियाचिन जहाँ पे हमारी लड़ाई हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो ऊपर में जाके बैठ गए थे, ठीक है, जो के टू के ही पार्ट में यहाँ पे है सियाचिन, ठीक है, सियाचिन, बियाफो, वाल्टारो और हिस्पर। देखिए आपको क्वेश्चन में PCS वाले क्वेश्चन में पूछा गया था हिस्पर क्या है, ठीक है, हिस्पर क्या है, तो ये क्या है, ग्लेशियर है, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ट्रांस के भाग काराकोरम, उसका हिमालय, हिमालय का भाग 4 भाग में हम बांटे, ट्रांस का भाग हो गया काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, और इसका के कलेजा पार मैंने बता दिया धौलावीरा, तो उसका एक पार्ट हो गया हमारा काराकोरम, काराकोरम के भी 4 भाग हो गए, जिसको हमने क्या बोला कि K1 K2 भी हो गया, ठीक है, उसका K1 K2 कहने का मतलब क्या है, काराकोरम की जो श्रेणी है सबसे ऊंची कौन सी है, K2 है, ठीक है, सियाचिन, वियाफो, वल्टारो और हिस्पर, ठीक है, इस पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हमारा क्या हो गया, ट्रांस हो गया और बृहद हो गया। अब आ जाते हैं हम कि लघु और शिवालिक, ठीक है, लघु और शिवालिक, शिवालिक में अगर हम देखें, लघु में उतने इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, शिवालिक में आए हम, शिवालिक इस पार्ट में, ठीक है, शिवालिक वाले ही पार्ट के देखिए आप यहाँ पे होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं द्वार, जिसको हम बोलते हैं हरिद्वार। आप देखेंगे, आप मैप में देखेंगे तो ये उत्तराखंड वाला भाग है, ठीक है। अब ये चीज़ें आप ये मत मान लीजिएगा क्योंकि नेपाल में मैं लिख रहा हूँ, तो ये होता है दून, ठीक है, आपने सुना होगा देहरादून, ठीक है, पश्चिम वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं दून, और जो पूरब वाला भाग होता है उसको द्वार बोलते हैं, उसी से हमारा बना है कि हरिद्वार और देहरादून, देहरादून पश्चिम में है और हरिद्वार जो होता है पूरब में है, ठीक है। अब हम सेकेंड में आ जाते हैं कि अब इसी में शिवालिक का ही एक पार्ट यहाँ पे है, शिवालिक, देखिए शिवालिक क्या है कि पूरी तरह से बना नहीं है, अभी बन भी रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं इस पार्ट में, देखिए ये यहाँ 4 पार्ट है इसके, इसको हम बोलते हैं DM AM, इसको याद कर लीजिए, DM AM का मतलब हो गया कि डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ठीक है, DM ऐसे याद किया जाता है कि जिसको DM बनना है उसको सुबह में AM में उठना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज़ हमारा हो गया पार्ट, हो गया शिवालिक का, ठीक है। अब इसी में देखिए, अब सेकंड पार्ट आ जाता है कि ऊपर से ही हम चल रहे हैं, तो इसी में ही आपको गारो खासी जयंतिया, ठीक है, ये पार्ट जो है गारो खासी जयंतिया में क्या है कि ये पहाड़ियाँ जो हैं डायरेक्टली कि अलग पहाड़ी है, ये पार्ट है, एक तो पहाड़ी का ही पार्ट है लेकिन यह अलग पहाड़ियों के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया कहाँ पड़ती है, मेघालय में पड़ता है, मेघालय, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, अगर राज्य के नाम से पूछता है, तो ये हमारा हो गया मेघालय, ठीक। अब हमारा यहाँ तक ऊपर वाला जो पार्ट हो गया वह ख़त्म हो गया, ठीक है, यहाँ तक का हमारा पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, ये देखिए हमारा हो गया अरावली, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा अरावली, और ये हो गया हमारा विंध्याचल। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा ये हमारा क्या है, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता, और ये हमारी है हरिश्चंद की पहाड़ियाँ, ठीक है। इतना डायरेक्टली याद कर लीजिए। ये देखिए ये पॉइंट मैंने आपको बताया, अरावली कहाँ तक जाती है, वैसे यह जाती है राजस्थान, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश से होते हुए यह जाती है दिल्ली तक, ठीक है। दिल्ली में इसको रायसीना की पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है, और एक है रायसीना, एक है रॉयल सीमा, ठीक है। रॉयल सीमा जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब ये हमारी पहाड़ियाँ हो गई, क्योंकि ये हमारा लेक्चर है पहाड़ियों पे विशेषड है, तो हम इसको केवल पहाड़ियाँ की बात कर रहे हैं। एक हो गया यहाँ पे गिर के शेर सुने होंगे, यह कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, ये देखिए हमारा है क्या, पश्चिमी घाट,
ठीक है, जिसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया हमारा पूर्वी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट देखिए कटा कटा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे कटा हुआ है, ठीक है। अब हमारा हो गया पूर्वी घाट, और ये हमारा हो गया, इस पॉइंट को हम क्या जानते हैं, छोटा नागपुर के नाम से भी जानते हैं इस पॉइंट को, छोटा नागपुर, ठीक है। और ये हो गया हमारी हरिश्चंद की पहाड़ियाँ, ये हमारी हो गई रॉयल सीमा, यहाँ पे देखिए ये रॉयल सीमा। और ये हो गया हमारा क्या, बघेल खंड का क्षेत्र, बघेल खंड, ठीक है। बघेल ही बोला जाता है छत्तीसगढ़ में, वैसे ही याद कर लीजिए कि बघेल खंड का हमारा जो है ये क्षेत्र है, ओके। अब आपके माइंड में आएगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि लोगों में कन्फ्यूजन चीज़ें हो जाती हैं कि बड़े हाईएस्ट पीक को लेकर, ठीक है। सबसे पहले आप जान जाइए कि पहाड़ी कहाँ पे है, इसके बाद आते हैं कि वह किस किस राज्यों से होके जा रही है, ठीक है। इसके बाद फिर उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है। हाईएस्ट पीक की बात अब हम करते हैं, अरावली की। देखिए अब मैंने इसको नोट करके रखा है, ठीक है, अरावली की। अब आप माइंड में, मैंने आपको बोला अरावली, तो अरावली आप माइंड में रख लीजिए कि कहाँ पे अरावली है। तो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर, और सतपुड़ा की है धूपगढ़, मैकाल, मैकाल की क्या है अमरकंटक। मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि सतपुड़ा का ही एक पार्ट है मैकाल, ठीक है। कुछ कुछ जो जियोग्राफी वाले मानते हैं कि यह सतपुड़ा का ही पार्ट है, हाईएस्ट पीक मानते हैं, और कुछ लोग अलग इसको मेंशन कर देते हैं। तो उसका जो हाईएस्ट पीक है अमरकंटक है। पश्चिमी घाट का कलसुबाई है, ठीक है, और पश्चिमी पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी, नीलगिरी का डोडा बेटा, अनाईमली का अनाईमुड़ी और कार्डेमम। अब देखिए हम आ जाते हैं डायरेक्ट लेक्चर पे, ठीक है। अभी यहाँ से समझाने वाली बात स्टार्ट होती है, ठीक है। क्या आपको समझाना है कि यह है पश्चिमी घाट, ठीक है, ये है पूर्वी घाट, यहाँ आके मिलती है। तो ये मिलती कहाँ पे है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मिलती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ पे, ठीक है, नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। एक बात हो गया, सेकंड बात आती है क्या नीलगिरी की ही पहाड़ियाँ, आप देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछा जाएगा कि सबसे हाईएस्ट पीक जो कि सबसे नीचे हो, सबसे दक्षिण में हो, हाईएस्ट पीक जो होती है अन्नामलाई की अनाईमुड़ी है। जानते हैं क्यों, क्योंकि इसका जो पार्ट है नीलगिरी, एक तो जहाँ पे यहाँ पे मिल रहा है, तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो डोडा बेटा है। लोग डोडा बेटा लगा देते हैं, ठीक है, डोडा बेटा लगा देते हैं, जबकि ये गलत होता है, ठीक है, लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन होता है। और सेकेंड बात कि जैसे ही यहाँ पे देखिए नीलगिरी है, उसी के नीचे है क्या है अन्नामलाई है, उसके नीचे कार्डेमम है। इट मीन्स कि देखिए ये हम जैसे आपको समझा रहे हैं, इतना ऊपर नीलगिरी नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये नीलगिरी है, तो उसके नीचे जो है अन्नामलाई है, उसके नीचे है कार्डेमम। अब पूछ ले सबसे दक्षिण पहाड़ी की बात अगर हम कर दें, तो वह जो हो गई कार्डेमम की पहाड़ियाँ होंगी, लेकिन सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो अनामलाई की अनाईमुड़ी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ ले कि हमको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, वह डोडा बेटा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, फिर से मैं दोहरा दूँ, नीलगिरी की सबसे ऊँची जो है वह डोडा बेटा है, अन्नामलाई के जो है सबसे ऊँची जो है अनाईमुड़ी ही है, जो वही सबसे दक्षिण की सबसे ऊँची है, और जो है कार्डेमम जो है सबसे लास्ट का जो पहाड़ी है, ठीक है। जब पहाड़ी की बात करेगा तो वह कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां बोला जाता है। और पूछ ले कि अगर श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर की बात करेगा तो अनामलाई की अनाईमुड़ी है, ठीक है। अब पश्चिमी घाट में आता है, इसी के देखिए कुछ पार्ट है, नैलाकोंडा, पालकोंडा, जेवाती, सेवराय, ठीक है, और पंचमलाई, ठीक है, ये पार्ट हैं इसके, ठीक है। इसी के क्या है ना कि ये देखेंगे कि जब यहाँ पे पश्चिम, ये जो क्या नाम है, ये क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं कि जो पश्चिमी घाट है वह जो है कि पूरी तरह से एक तरफा है, एक साइड से है। लेकिन जस्ट लाइक कि हम बात करें कि यहाँ से कोई अगर महाराष्ट्र से निकलता तो डायरेक्ट गोवा होके इधर से होके ही केरल जा पाता, ऐसा नहीं कि चारों जहाँ से क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे नीचे जब आता है पाल घाट और सेन कोट से ही क्रॉस कर पाता है, ठीक है, पाल घाट और सेन कोट से ही क्रॉस कर पाता है, दर्रा जो कि है, उसके अलावा कहीं पे भी क्रॉसिंग नहीं हो पाती है। जबकि ये हम पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट में हमको क्रॉसिंग आराम से मिल जाती है, ठीक है, पूर्वी घाट में क्रॉसिंग जो हमको आराम से मिल जाती है, ठीक है। तो उसी का जो पार्ट है मैंने बताया क्या, नन्नामलाई, सॉरी पंचमलाई,
जेवादी, सेवराय, ये सब पहाड़ियाँ जो हैं कि इधर पूर्वी घाट की जो है पार्ट हो जाती हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इतने छोटे वीडियो में आपको हम पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन कर दिए। अब आपका जो एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे उसमें जो है विश्व की नदियाँ और भूजल बनाएंगे, उसके अलावा आपको विश्व के जो है मैप के अनुसार ही हमें बना दूंगा। एक चीज़ आप लोग कमेंट करें कि आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए या तो हैंड रिटन ही, या जो मैं पढ़ाया हूँ इसी चीज़ का आपको दे दूँ। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।